वक्त था जब शादियों में लौंडा नाच खूब मशहूर था। आम तौर पर जब भी कोई बारात लेकर जाता था, साथ में लौंडा नाच जरूर लेकर जाता था। ये एक ऐसा नाच होता है जिसमें महिलाओं के कपड़े और गहने पहनकर एकदम महिला के रूप में आदमी बैंड बाजे पर नाचता है और लोगों का मनोरंजन करता है। एक समय यूपी से लेकर बिहार तक ये लौंडा नाच खूब मशहूर था। इसी लौंडा नाच के एक मशहूर कलाकार हैं बिहार के रामचंद्र मांझी, जिन्हें मोदी राज में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार के सारण जिले के नगरा तुजारपुर के रहने वाले लौंडा नाच के मशहूर कलाकार रामचंद्र मांझी को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अपने नाम के ऐलान के बाद रामचंद्र मांझी जब रेड कार्पेट पर चलते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंचे तो मानो पूरा राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी रामचंद्र मांझी के लिए खूब तालियां बजाई, क्योंकि 94 साल के रामचंद्र मांझी को पद्मश्री सम्मान मिलना था। बिहार के उस प्राचीन लोक नृत्य लौंडा नाच का सम्मान है जिससे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले बिहार के लोक कलाकार भिखारी ठाकुर भी जुड़े थे। नाच दल चलाने वाले भिखारी ठाकुर के साथ रामचंद्र मांझी ने 10 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था और 1971 तक भिखारी ठाकुर के नेतृत्व में काम किया। भिखारी ठाकुर के निधन के बाद रामचंद्र मांझी ने गौरी शंकर ठाकुर, शत्रुघ्न ठाकुर, दिनकर ठाकुर, रामदास राही और प्रभुनाथ ठाकुर जैसे कलाकारों के नेतृत्व में काम किया। आज वो भिखारी ठाकुर रंगमंडल के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं जिन्हें मोदी सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। सम्मान पाने पर खुशी जाहिर करते हुए रामचंद्र मांझी ने कहा कि उनके जैसे कलाकार को सरकार ने बड़ा सम्मान दिया है। 94 साल के रामचंद्र मांझी आज भी मंच पर खूब थिरकते हैं और लौंडा नाच की पहचान बन गए हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि समय के साथ साथ ये लोक कला भी दम तोड़ती नजर आ रही है। अब गिनी चुनी लौंडा नाच मंडलियां ही बची हैं जो इस विधा को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन उनका भी हाल खस्ता ही है। हालांकि भिखारी ठाकुर रंगमंडल ने इस लौंडा नाच को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रखी है। इस रंगमंडल के कई आयोजनों में आज भी रामचंद्र मांझी अभिनय करते नजर आते हैं। रामचंद्र मांझी को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने पर भोजपुरी एक्टर और गायक खेसारी लाल यादव ने लिखा, हम भी अपन करियर की शुरुआत लौंडवा नाच से ही किए थे। पहले ये उपहास की बात होती थी, आज लोक नृत्य को पद्मश्री से नवाजा गया। रामचंद्र मांझी जी हमहिन जैसेन कलाकार सबके आदर्श रहनी बानी और हमेशा रहब। पद्मश्री सम्मान से नवजला पर बधाई, हमनी सबला गर्व के पल। श्वेता सिंह नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, इस बार पद्मश्री पुरस्कार श्री रामचंद्र मांझी जी को लौंडा नाच के लिए मिलने से हमारी ये पुरानी कला की विधा फिर से जीवंत हो गई, अन्यथा आज की हमारी युवा पीढ़ी तो मनोरंजन के इस नायाब तोहफे का नाम तक भूल गई थी। कंग्रेचुलेशन टू आल बिहारी। विद्यापति नाम के यूजर ने लिखा, कोनो काम छोट और बड़ ना होला, सारण जिला के प्रसिद्ध भिखारी ठाकुर जी के लौंडा के नाच करें में भी श्री रामचंद्र मांझी जी पद्मश्री के अवार्ड मिलना पर संपूर्ण सारण के गौरव के बात बा। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें लौंडा नाच के बारे में देखा और सुना, उन्होंने रामचंद्र मांझी को पद्मश्री सम्मान मिलने पर खुशी जताई। ऐसे लोक कलाकार रामचंद्र मांझी को पद्मश्री सम्मान से नवाजे जाने पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपने कभी लौंडा नाच देखा है, अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर शेयर करें।
श्री रामचंद्र मांझी कला लोक नृत्य। श्री ननंद्रो बी मरक जैविक खेती।